Assalamualaikum dear students, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Dear students, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस तरह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से हम हाई स्पीड ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि उन हाई स्पीड ग्राफ जो हम बनाते हैं उससे हम कौन कौन सी मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या क्या यूजेज हैं हमारे पास इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की, CR को किन किन क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो बच्चों हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हम इसमें क्या कुछ मेजर कर सकते हैं। बच्चों हम इसमें टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज है या करंट है उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के भी काम आता है CRO। इसके अलावा हम फेज डिटरमाइन कर सकते हैं उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हम फेज डिटरमाइन कर सकते हैं। फेज डिटरमाइन करने के साथ साथ हम टू वेव्स का फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दो वेव्स के दरमियान का हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ यूजेज हैं हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, जिससे हम टाइम पीरियड, वोल्टेज, करंट, वोल्टेज करंट फाइंड कर सकते हैं, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज, फेज डिफरेंस, दो वेव्स का फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास वो मेजरमेंट्स हैं CRO के, ये उसकी यूजेज हैं, एप्लीकेशन हैं, कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को सिर्फ एक दो क्वांटिटीज नहीं बल्कि हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ बहुत सारी चीजों की मेजरमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह से ये मेजरमेंट होती है, देखिए इन सब मेजरमेंट्स का जो ताल्लुक है वो किससे है, फेज से है। हम एक वेव बनाते हैं, हमारे पास ये वेव आ गई, अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ने एक वेव बनाई है, तो बच्चों इस वेव का टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं, इस वेव का पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं, वेव की मदद से ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वोल्टेज है, अगर आपके पास ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है या आपके पास ये करंट की वेव फॉर्म है, अगर आपके पास वोल्टेज या करंट की वेव फॉर्म है तो आप इस करंट की मैक्स, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वेव की मदद से किसी भी पॉइंट पर आपके पास वोल्टेज की क्या वैल्यू है, वी नॉट साइन ऑफ 2π/T, तो किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर आप वोल्टेज की या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वेव जो है इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, 1 इधर कंप्लीट हो गई, सेकेंड इधर कंप्लीट हो गई, इसका मतलब इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस वेव का किसी भी पॉइंट पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, इसी ग्राफ की मदद से हम इसका फेज भी मालूम कर सकते हैं। यहां हमारे पास फेज 0 होता है, इधर हमारे पास फेज π/2 या 90 होता है, इधर पाई, इधर हमारे पास 3π/2 और इधर हमारे पास 2π होता है। तो हम इसी वेव की मदद से फेज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों फेज डिफरेंस, अगर आपके पास एक ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अगर आपके पास एक ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और दूसरी हमारे पास
ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, तो आप इन दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान का फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर इसका फेज जो है वो 90 है, इसका फेज जो है वो 0 है, तो 90 माइनस 0 ये 90 ही आ जाता है। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखें, इसका इस वेव का जो फेज है वो 180 है और इसका कितना है, इसका 90 है, तो 180 माइनस 90 तो फिर से 90 आ गया। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स होंगी तो आप उन दो वेव्स का फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। पीक वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू फॉर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके पास किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू, अगर ये करंट है तो करंट की पीक वैल्यू। इसी तरह से जो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये है आपके पास पॉजिटिव पीक और ये है आपके पास नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पीक तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास होता है पीक टू पीक वैल्यू। ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है, तो एक पीक से दूसरे पीक तक की जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं पीपी वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू। तो ये भी इसी ग्राफ से ही मेजरमेंट हो। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस के अंदर जो बात क्लियर हुई है कि अगर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ग्राफ बनाता है तो हम उसके ग्राफ की मदद से बहुत सारी उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह से टाइम पीरियड, वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज, फेज डिफरेंस, पीक या पीक टू पीक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास यूजेस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एप्लीकेशन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।